अब चमक रहा है। हाँ चलो बैठ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 25 जो है ना ये वाला जो अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का इसलिए है कि कह रहा है क्वेश्चन कि कुआं है, ठीक है, कुआं में से खोदा गया और इसमें से मिट्टी को बाहर निकाले हैं और जो बाहर मिट्टी आया उस मिट्टी को फेंके नहीं ले जाकर उसी मिट्टी से क्या कि एम्बैंकमेंट बना दिए चारों तरफ, ठीक है, एम्बैंकमेंट बना दिए चारों तरफ ऑल अराउंड, और आपको बताना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, ये जो एम्बैंकमेंट बन रहा है इसका हाइट क्या है, ठीक है, बताओ। वेल का डायमेंशन दिया होगा, क्या क्या दिया है, बोलो, इनसाइड डायमीटर 10 मीटर, डीआई 10 मीटर है बाबू, तो आरआई क्या होगा आपका 10/2 मीटर मतलब 5 मीटर होगा, और बोलो क्या दिया होगा, हाइट ऑफ द वेल दिया होगा 81.4 मीटर, हाइट ऑफ द वेल, ये वेल का हाइट है, ठीक है, कितना दिया हुआ है 8.4 मीटर, चलो और क्या दिया हुआ है अराउंड इट वेट ऑफ width of embankment कितना दिया हुआ है 7.5 मीटर, ये जो तुम्हारा width है मतलब ये तुम्हारा जो width क्या बोले इसको thickness जो है वो आपको कितना दिया हुआ 7.5 मीटर thickness of the embankment कितना दिया हुआ है 7.5 मीटर, समझ रहे हैं बात, आपको बताना है हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, आपको बताना है हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, ठीक है, चलो आ जाओ। एक बार बताओ मेरे को इसमें से जो मिट्टी बाहर निकलेगा वही मिट्टी में इसे चारों तरफ फैला रहे हैं, हैं? इसका मतलब एक बार बताओ मेरे को जो वॉल्यूम मिट्टी का बाहर निकल रहा है वही वॉल्यूम हम बाहर यूज कर ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो जो यहाँ से मिट्टी निकल रहा है वही मिट्टी यहाँ लगा, मतलब मिट्टी दोनों में कॉमन है कि नहीं, तो मिट्टी मतलब क्या निकला वॉल्यूम ऑफ द वेल, बोलो वॉल्यूम ऑफ द वेल होगा कि नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ द वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट हो सकता है, ये काम करना है थोड़ा सा, पहले वॉल्यूम ऑफ द वेल निकाल लो, तो वेल का शेप क्या है सिलेंडर शेप है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालो मेरा सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, चलो पाई 22/7 इंटू आर बोले तो पाई इक्वल लगेगा 5 इंटू 5 एच बोले तो 8.4 मीटर क्यूब, छोड़ दो कुछ मत कटाओ, तो आगे मेरा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट होगा, ठीक है, आ जाओ यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट विल बी, एक बार बताओ एम्बैंकमेंट तो बस यही वाला पोर्शन है, अंदर में तो मिट्टी ही नहीं है, अंदर तो खाली रहेगा, एक बार बताओ ये मेरा जो डायमीटर तुम्हारा दिया हुआ है 10 मीटर, तो रेडियस तुम्हारा 5 मीटर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बोलो, और जो 5 मीटर वहाँ होगा यही 5 मीटर यहाँ भी तो होगा, बोलो हाँ या नहीं, बोलो, और थिकनेस कितना दिया हुआ है 7.5 मीटर दिया हुआ है, बोलो, तो वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट के लिए मेरा हॉलो सिलेंडर समझ में आ रहा है, मुझे लगता है हॉलो सिलेंडर समझ में आ रहा है, हम इसका वॉल्यूम निकालना अंदर वाले को माइनस करना है, जस्ट 19 नंबर क्वेश्चन या 22 नंबर क्वेश्चन जो पूछे थे तुम, बोलो ऐसा क्वेश्चन था ना ऐसा, तुम हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल रहे थे, यहाँ देखो अगर हम कंप्लीट वॉल्यूम निकालने हैं और उनमें से अंदर वेल वाला वॉल्यूम कितने हाइट तक एच हाइट तक माइनस कर सकते हैं, मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इज एच यूनिट है और एच हाइट को यूज करके हम वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट निकालने के क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द कंप्लीट सिलेंडर निकालेंगे और उनमें से वॉल्यूम ऑफ द वेल कहाँ तक का वेल हाइट इज एच मीटर, एच मीटर तक के हाइट को माइनस कर लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट निकल जाएगा, फिर समझो क्वेश्चन कर रहा है क्या कि आपका कंप्लीट वेल है इसको टिक आउट कर लिए,
मिट्टी निकला और उसी मिट्टी का हम क्या किया ना चारों तरफ लगा के एम्बैंकमेंट खड़ा कर दिया, चौराहा चबूतरा बना दिए, ठीक है। ये चबूतरा बन गया, तो चबूतरा बन गया, आपको बताना है हाइट कितना है। तो मान लेते हैं हाइट एच यूनिट है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। अब एक बार बताओ, चारों तरफ मिट्टी लगा रहे हैं लेकिन इसके अंदर तो खोखला है, इसके अंदर कोई मिट्टी उठी है नहीं, तो मिट्टी नहीं है लेकिन बेल का रेडियस हमको पता है कि 5 मीटर है। तो हम इस 5 मीटर का यूज करके और 7.5 मीटर का यूज करके हम कंप्लीट आगे लेंगे। बोलो बोलो, कंप्लीट 5 मीटर आ गए, 12.5 मीटर। अब 12.5 मीटर रेडियस पता है और एच मीटर हाइट पता है, इसके थ्रू हम कंप्लीट वॉल्यूम निकाल लेंगे। बोलो, और कंप्लीट वॉल्यूम निकालने के बाद अंदर में तो हॉलो है, तो 5 मीटर और एच मीटर का यूज करके हम अंदर का वॉल्यूम निकाल लेंगे। बोलो, अब अंदर का वॉल्यूम निकल गया तो बाहर वाले वॉल्यूम से अंदर वाले वॉल्यूम माइनस कर देते हैं बाबू, तो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम पता चल जाएगा। बोलो, और वही नहीं एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम है जो वॉल्यूम ऑफ द वेल होगा, वही मिट्टी लगाओगे कंप्लीट जो मिट्टी आपका अंदर से निकला है। अब यहाँ मोह गिरने लगना कि भैया अंदर से मिट्टी निकाले बाहर निकले, जब निकालेंगे तो जमीन में तो कुछ बच जाएगा, उसे दिमाग में लेके मत चलना, उसमें कुछ नहीं है, जो मिट्टी बाहर मतलब यहाँ कंप्लीट लग गया। तो आओ वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द टोटल सर टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंप्लीट मतलब कंप्लीट मीन्स क्या एम्बैंकमेंट प्लस क्या वेल विथ एच यूनिट हाइट, हाँ या नहीं। बोलो, एच यूनिट हाइट का वॉल्यूम निकाल लेंगे एम्बैंक कंप्लीट, और इनमें से अंदर वाला एच यूनिट हाइट तक की वेल को माइनस कर दें, वॉल्यूम ऑफ द वेल विथ एच यूनिट एच हाइट, हाँ समझ आया है। मतलब क्या किया, हम कंप्लीट वाली वॉल्यूम निकाल लिए, क्योंकि वॉल्यूम तभी नहीं जब आपको सेंटर मिलेगा तब ना आप रेडियस को मान सकते हो, इतना रेडियस है, अब सेंटर मिलेगा तो रेडियस कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो वॉल्यूम एम्बैंकमेंट प्लस वेल, तो एम्बैंकमेंट प्लस वेल का मतलब क्या हुआ, ये वाला हाइट, ये वाला रेडियस, बोलो ना जी। मेरा आर वो क्या बनेगा, 7.5 और प्लस 5 होगा मीटर, मतलब 12.5 मीटर, और हाइट आपका कितना है एच माने हुए इसको, तो पाई आर को स्क्वायर एच होगा। अब इनमें से हम माइनस कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द वेल विद हाइट एच मीटर, तो पाई आर आई स्क्वायर एच हो जाएगा इंटरनल रेडियस। चलो आ जाओ, तो पाई पाई दोनों तरफ है निकाल लें, एच एच दोनों तरफ सेम है निकाल लें, आर कितना है 12.5 का होल स्क्वायर माइनस आर आई कितना है, आर आई 500 स्क्वायर, सॉल्व कर लो इसको, पाई इंटू एच इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बोलो ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार जोड़ लो, एक बार बैठा दो, 12.5 प्लस 5 इंटू 12.5 माइनस 5 मीटर स्क्वायर। चलो आ जाओ, पाई इंटू एच इंटू 12.5 17.5, अब 12 में से 5 लिया 7.5 मीटर स्क्वायर। एक बार बताओ, ये ना मिट्टी बाहर निकला है, ये ना मिट्टी से लगाए बैंक में चार तरफ है, और कितना मिट्टी बाहर निकला, ये मिट्टी बाहर निकला है, तो ये बराबर ये होगा, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1 और दिस वन विल बी 2 बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा। तो इसको 22/7 को चाहे तो पाई लिख सकते हैं, पाई इंटू 25 इंटू 8.4 है जी, 8.4 है ना, सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स ना देखो, पाई इंटू एच इंटू 17.5 इंटू 7.5 मीटर स्क्वायर है, कोई दिक्कत समझने में, बोल ना सबके मुंह में बारह क्या बजा हुआ है, हैं ये वॉल्यूम बराबर ये वॉल्यूम हो जाएगा, हैं दोनों लिख दिए, ये देखो पाई और पाई स्वाहा,
अब इसके बाद हम जाते हैं सबसे ऊपर यहाँ पर जो एरिया है आपका मीटर। चलो आ जाओ सर, कुछ कटा दो, 10 सेकंड साफ। चलो आ जाओ, 25 सेकंड आओ, 25 सेकंड, 25 25 किया 70, 25 बोले 25, 25 फिर जा 75, और फिर के टेबल से ऊपर जाएगा, कंफर्म जाएगा, नहीं पता है समझो, 8 और 4 जोड़ दो, 12 होगा, हैं, और फिर के टेबल में 12 आता है, इसका मतलब 3 का मल्टीपल है, 3 2 जा 6, देखो जी क्या क्या बचा है, नहीं समझ में आ रहा, यहाँ नोट डाउन करो टिप्स। 4 × 10 = 25 मीटर। बोल बच्चा सर, वे 10 मिल जाएगा1.60 सेंटीमीटर बोल सकते हो, हाइट 1.60 मीटर आ रहा है, 1.6 मीटर आ गया। एक बार फिर समझो क्या किए हैं, पहले सिंपली वॉल्यूम निकाल लिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसके बाद आ रहा है, तो दिक्कत इसके बाद इसलिए आ रहा है सर जी, अंदर से हॉलो है इम्बेडमेंट, तो जब हॉलो होगा आपको इनर रेडियस और आउटर रेडियस लेके चलना पड़ेगा, सबसे पहले आउटर रेडियस से वॉल्यूम निकाल लिए, फिर इनर रेडियस से वॉल्यूम निकाल लिए, और इन दोनों को माइनस कर दिए, अंदर ये आ गया, और इन दोनों को बराबर कर दिए, बराबर करके एच को सॉल्व करके एच निकाल लेंगे। ये तो क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है।